वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, जो बच्चे नए आए हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किया करें और हमारी हर एक वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। तो देखिए, हमारे पास आज आपका जो टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड एज अ रिएक्टिफायर, ये एप्लीकेशन है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड की, कि हम पीएन जंक्शन डायोड को एज अ रिएक्टिफायर भी हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टिफायर क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, या हम कहेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट वोल्टेज में। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है, जैसे यहाँ पर देखोगे आप, ये हमारे पास एक ऐसी करंट होती है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है और डायरेक्शन पीरियडिकली। एक करंट हुज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डायरेक्शन पीरियडिकली। तो देखिए, हमारे पास करंट की वैल्यू भी चेंज होती है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज जाती है, उस करंट को क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हम कह सकते हैं। जैसे हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है, वैसे हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी ग्राफ होता है। और ये अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट हो जाता है किस में, डायरेक्ट करंट में। तो डायरेक्ट करंट के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, जब आप करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो डायरेक्ट करंट वो करंट होती है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है, न करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, न करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, उसको कहा जाता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाती है, उस डिवाइस को कहा जाता है रिएक्टिफायर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिएक्टिफिकेशन, जिस प्रोसेस के जरिए से हम एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिएक्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है, रिएक्टिफिकेशन। हालांकि हमारे पास जो बैटरी, आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है, ये सब कुछ प्रोसेस उसमें होता है, रिएक्टिफिकेशन वहाँ पर होती है, रिएक्टिफायर वहाँ पर लगा होता है। अब देखिए, यहाँ पर जब हमारे पास ये एसी कन्वर्ट जब होता है डीसी में, ये डायरेक्टली डीसी प्योर, इसको कहा जाता है प्योर डीसी, डायरेक्टली प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं होता है, समझे आप। तो सबसे पहले हमारे पास ये एसी जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पल्सेटिंग डीसी में। पल्सेटिंग डीसी का ग्राफ कैसे बनता है, जैसे टाइम और करंट के बीच में आप ग्राफ बनाओगे, आप डायरेक्ट करंट होती है तो ये ऐसी होती है हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास आप देखोगे, आप करंट की वैल्यू, जब हमारे पास ये डायरेक्ट करंट ही है लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो ये जो हमारे पास, ये भी आपके पास क्या है, डायरेक्ट करंट ही है लेकिन पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है। तो फिर ये हमारे पास पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट हमारे पास प्योर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर फिल्टर लगा होता है, समझे आप। तो बैटरी में वहां पर फिल्टर लगा होता है, पहले हमारे पास एसी कन्वर्ट हो जाएगा पल्सेटिंग डीसी में, और उसके बाद हमारे पास ये प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर आपको। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, दैट इज नोन एज रिएक्टिफिकेशन। तो देखिए, यहां पर मैंने वही लिखा है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, और ये कौन सी डीसी होगी, पल्सेटिंग डीसी होगी। तो एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिएक्टिफिकेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिएक्टिफिकेशन। सबसे पहले हम इस डिवाइस को देखेंगे जो आपका रिएक्टिफायर है, उसमें हमारे पास क्या क्या होता है। दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी P1 P2, सेकेंडरी S1 S2। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, बीच में हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर की एक शीट होती है हमारे पास। कैसे हमारे पास ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, देखिए प्राइमरी कॉइल्स की टर्न ज़्यादा हैं, सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न कम हैं। ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल्स हैं, तो सेकेंडरी कॉइल्स फिर हमारे पास कनेक्ट होता है पीएन जंक्शन डायोड के साथ और हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ, लोड रेजिस्टेंस के साथ, जहाँ से आप आउटपुट लेते हो आप। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और प्राइमरी कॉइल जो हमारे पास P1 P2 है, ये इनपुट के साथ कनेक्ट होता है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं और R से आपको आउटपुट मिलता है। अब कैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हम यहाँ से हम दे रहे हैं 250 की एसी वोल्ट दे रहे हैं, हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम कनेक्ट कर रहे हैं हम प्राइमरी कॉइल्स के साथ P1 P2 के साथ। तो सबसे पहले 250 वोल्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही होगी, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है। फिर ये 5 वोल्ट का हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाद में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट वोल्टेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, जो हमारे पास बैटरी में होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने के बाद फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट जाएगी। तो देखिए, 250 से 5 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट का अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास 5 वोल्ट की डायरेक्ट वोल्टेज में। तो जो ही आपके पास डायरेक्ट वोल्टेज मिलती है तो डायरेक्ट करंट भी फ्लो करती है, समझे आप।
तो ये जो आपको हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का प्रोसेस होता है, इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट देंगे हम, आउटपुट में आपको आपको बाद में मिलेगी, आउटपुट में आपको जो बाद में मिलेगी वो डायरेक्ट करंट मिलेगी। वही यहाँ पर हमारे पास लिखा है एसी टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड टू पी वन पी टू आर प्राइमरी कॉयल्स एंड पी एन जंक्शन डायोड एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड बिटवीन एस वन एस टू ऑफ सेकेंडरी कॉयल्स। वही लिखा है मैंने, इनपुट कनेक्ट है पी वन पी टू के साथ और पी एन जंक्शन डायोड और रोड रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है हमारे पास एस वन एस टू सेकेंडरी कॉयल के साथ। अब यहाँ पर वर्किंग कैसे होती है, किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रेक्टिफिकेशन होती है, पहले हम इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही हमारे पास फ्लो करती है। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की सबसे पहले हम रिएक्टिवेशन करेंगे हम। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सपोज पी वन इज नेगेटिव एंड पी टू इज पॉजिटिव, हम कहेंगे ये टर्मिनल हमारे पास प्राइमरी कॉयल्स का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे, समझे आप। तो आपको पता ही है कॉयल में हमारे पास जब करंट फ्लो कर रही है तो इसके साथ हमारे पास सेकेंडरी कॉयल है, म्यूचुअल इंडक्शंस की वजह से सेकेंडरी कॉयल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि प्राइमरी कॉयल्स में करंट चेंज हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट है, करंट चेंज होगी, चेंजिंग करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉयल है, कॉयल बिहेव करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जब कॉयल में हम करंट पास ऑन करते हैं तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह जब बिहेव करेगा तो इसकी मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्सेस सेकेंडरी कॉयल में पास ऑन हो जाएंगी, जब सेकेंडरी कॉयल में इसकी मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाएंगी तो सेकेंडरी कॉयल अपना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, अपनी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। जब ये अपनी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा तो उसके अपने टर्मिनल्स बनेंगे और हमारे पास और ये जो हमारे पास एस वन पॉजिटिव हो जाएगा और एस टू नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना ईएमएफ बना और इसके टर्मिनल्स हो गए हमारे पास, अब ये एस वन पॉजिटिव हो गया, एस टू नेगेटिव हो गया। यहाँ पर अपोजिट में करंट फ्लो करेगी, जिस डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो करेगी उसके अपोजिट में हमारे पास करंट फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिर हमारे पास एस वन पॉजिटिव हो जाएगा, एस टू नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा फिनोमेना लग रहा है? म्यूचुअल इंडक्शंस। म्यूचुअल इंडक्शंस की वजह से सेकेंडरी कॉयल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और फिर हमारे पास इसके दो टर्मिनल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो ये टर्मिनल्स जब हमारे पास पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट होता है, ये हायर पोटेंशियल वाला है तो पी के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव एन के साथ कनेक्ट होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर है तो हमारा पी एन जंक्शन डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। जब पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो ये कंडक्ट करता है, इसमें करंट फ्लो करेगी, तो इसमें इस तरीके से करंट फ्लो करेगी, आपको आउटपुट में करंट मिलेगी, समझे आप। तो जब हम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आपको आउटपुट में करंट मिलेगी, आपका ये पॉजिटिव पोल्स आपको मिल गया, क्लियर आपको, तो आपको आउटपुट में करंट मिल रही है। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की रेक्टिफिकेशन करेंगे, ये नेगेटिव हाफ साइकिल ले लेंगे हम, नेगेटिव हाफ साइकिल की रेक्टिफिकेशन करेंगे। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में सपोज करेंगे पी वन इज पॉजिटिव एंड पी टू इज नेगेटिव, पी वन हमारे पास पॉजिटिव है और पी टू आपके पास क्या है? नेगेटिव है। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन एस वन बिकम नेगेटिव एंड एस टू बिकम पॉजिटिव, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होता है? आपको पता ही है म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास क्या होता है, जब हम करंट के चेंज होते हैं हमारे पास प्राइमरी कॉयल में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉयल्स में, समझे आप। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉयल में वो अपोज करता है किसको अपोज करता है? उस काज को जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो जो हमें लेंज ला कहता है, तो वही हमारे पास जब अपोज करता है इसका मतलब हमारे पास जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन यहाँ पर होगी वो उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट में यहाँ पर आपको वो करंट की डायरेक्शन मिलेगी, तभी जाकर ये पॉजिटिव अगर हमारे पास है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल जब पी के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव जब एन के साथ कनेक्ट होगा तो हमारा पी एन जंक्शन डायोड क्या हो जाता है? रिवर्स बायस हो जाता है। तो इन दिस केस डायोड इज रिवर्स बायस, इधर हमारे पास क्या हो जाता है? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड क्या हो जाता है? रिवर्स बायस्ड हो जाता है। जब हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो जाता है एंड हेंस करंट डज नॉट फ्लो थ्रू आर, फिर हमारे पास इस आर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करती है, समझे आप। सो एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे आपको आउटपुट में करंट मिलेगी, जब लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल दोगे आप तो आपको आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड कंडक्टिंग नहीं करता, इसमें करंट फ्लो नहीं करते, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी तो आपको आउटपुट में कोई करंट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जब हम ये नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो आपको ये इस पोर्शन में आपको जब आउटपुट, ये आपका क्योंकि ये आपका आउटपुट है
तो आपको आउटपुट में कोई करंट नहीं मिल रही, ये कट हो गया, ये आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, समझे आप। इसके बाद फिर से आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे, आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की रिएक्टिवेशन करोगे आप, फिर से यही आ जाएगा हमारे पास, तो आपको आउटपुट में करंट मिलेगी और ये आपका पल्स आपको मिलेगा। फिर से जब नेगेटिव हाफ साइकिल की रिएक्टिवेशन करोगे आप, ये कट हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल था वो कट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर देखिए हाफ वेव की आपको रिएक्टिवेशन हो रही है, समझे आप। तो ये जो हमारे पास है, देखिए आपको ये जो पल्सेज मिल रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो वो डायरेक्ट करंट ही होती है, समझे आप, डायरेक्ट करंट ही होती है। लेकिन ये पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है। तो पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाती है किस में, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्योर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उधर हमारे पास बैटरी में एक फिल्टर लगा होता है, फिर वो इसको किस में कन्वर्ट करता है, प्योर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो हमारे पास है, ये आपको जो मिल रहा है यहाँ पर, हमारे पास सिर्फ हाफ वेव की रिएक्टिवेशन हो रही है, हाफ वेव, पॉजिटिव की रिएक्टिवेशन हो रही है, नेगेटिव की रिएक्टिवेशन नहीं हो रही है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल की जब हम रिएक्टिवेशन करने जाते हैं तो आपके पास आउटपुट में करंट नहीं मिल रही है। इसी तरीके से जब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वहाँ पर फुल वेव रिएक्टिवेशन होगी, फिर जब हम फुल वेव की रिएक्टिवेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल जो यहाँ पर हमारे पास, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर लेते हैं तो कंडक्ट ही नहीं करता है हमारे पास, आपको आउटपुट में करंट नहीं मिलती है। लेकिन फुल वेव रिएक्टिवेशन में जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल की रिएक्टिवेशन करोगे तो आपको ये यहाँ पर मिलेगा, ये भी आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर हमारे पास जो है करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ये पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है, उसको प्योर डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, करते हैं हम फिल्टर की वजह से, तो वो हमारे पास बैटरी में लगा होता है, तो बैटरी में हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही होती है हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नहीं होती है। तो ये हमारे पास था, दैट वॉज यूर पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यही प्रोसेस चलता जाएगा, फिर आप पॉजिटिव लोगे, आप पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हाफ वेव रिएक्टिवेशन हो रही है, पूरी वेव की रिएक्टिवेशन नहीं हो रही है, हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आपको नहीं मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाफ वेव रिएक्टिवेशन, यहाँ पर सिर्फ हाफ वेव की रिएक्टिवेशन हो रही है। लेकिन जब हमारे पास बैटरी में क्या होता है, फुल वेव की रिएक्टिवेशन हो जाती है, फिर फुल वेव की रिएक्टिवेशन कब होती है, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब तक के लिए।